करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 22। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम सब आप लोग लिख लेंगे। आज हम इस वाले चैप्टर में, इस वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे फेयर प्ले के बारे में। फेयर माने होता है निष्पक्ष, जिसका कोई पक्षपात ना हो, है ना, कोई भेदभाव ना हो, ऐसे गेम के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और प्ले माने नाटक भी होता है और प्ले माने खेल भी होता है। तो यहाँ पे फिलहाल बात प्ले का मतलब नाटक की है। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो फटाफट इसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी, तो क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइड, यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो, जो आपको स्पेस दिया गया है उसमें आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, यानी सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन है। तो सबसे पहले आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है आप उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, क्यों आपका दोस्त आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वही शख्स आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों बना, कोई और क्यों नहीं है आपका बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो जो चीज़ आपको अपने बेस्ट फ्रेंड में सबसे अच्छी लगती है आपको वो देना है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हमें अपने दोस्त में क्या क्या चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि मुझे उसके साथ पढ़ाई करना पसंद है ना, बिकॉज ही स्टडी विद हिम, या पे ही की जगह आप अगर लड़की है तो आप शी लिख देंगे, है ना। इसके अलावा प्ले विद मी, और मेरे साथ खेलता है, तो इसलिए मुझे मेरे दोस्त के ये दो काम बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ पढ़ाई भी करता है और मेरे साथ खेलता भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वेयर डज योर बेस्ट फ्रेंड लिव, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कहाँ रहता है। तो जहाँ रहता है आपका बेस्ट फ्रेंड आप वहाँ लिख देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली में रहता है तो आप दिल्ली लिख देंगे, यूपी पे रहता है तो यूपी लिख देंगे, जहाँ आपके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं आप उस जगह का नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज योर बेस्ट फ्रेंड लाइक टू ईट, आपके बेस्ट फ्रेंड को खाने में क्या पसंद है। अब जो उनको पसंद है, समोसा पसंद है तो आप लिख देंगे समोसा पसंद है। अगर उनको कुछ और पसंद है, फ्रूट्स पसंद है तो आप लिख देंगे फ्रूट्स पसंद है, वेजिटेबल्स पसंद है तो आप लिख देंगे वेजिटेबल पसंद है। जो भी चीज़ उनको पसंद है, चाउमीन पसंद है, जो उनको पसंद है आप वो लिखेंगे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को ये चीज़ पसंद है। उसके बाद लिखा है, विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फेवरेट सब्जेक्ट, अब आपके बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। अब आपके बेस्ट फ्रेंड का जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, है ना, कंप्यूटर, जो भी है आप उसको लिख सकते हैं कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट सब्जेक्ट ये है, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द पैसेज, अब आपको इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, यानी दो बच्चे हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट वैन अदर ऑफ दैम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्ट इन द विलेज। अब देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, दो बच्चे हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी रिलेशनशिप, यानी जो उनका फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है, वो जो उसका मतलब बाउंड है, यानी कि जो उनका मजबूती है वो बहुत अच्छी है, और सब लोग उसको गाँव में देखते हैं और कहते हैं कि मतलब कितने अच्छे दोस्त हैं, है ना। द अदर लुकड आफ्टर हिज फैमिली, और उनकी फैमिली को भी देखते हैं, बोथ greatly respect in the village, और दोनों लोग गांव में respectful family से belong करते हैं। जुम्मन had an old aunt who had some property, यानी जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ property थी, this she transferred to him, जो उन्होंने जुम्मन के ऊपर transfer कर दी, यानी जुम्मन के नाम पर transfer कर दी, on the understanding that she would stay with him, ये सोचते हुए इस उसमें कि हम इसी के साथ अपनी ज़िंदगी का गुजर करेंगे, यानी उनके कोई औलाद नहीं होगी, कोई बच्चे वगैरह नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये सारी प्रॉपर्टी मैं जुम्मन को दे देती हूँ और जुम्मन के साथ ही अपनी ज़िंदगी बसर करूँगी, एंड दे वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर, यानी ये अरेंजमेंट ठीक है, एक काफ़ी साल तक इस जोड़े ने इस चीज़ का ख्याल रखा, यानी अपनी आंटी का ख्याल रखा। दैन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन फिर एकदम इसे सिचुएशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स, यानी वो लोग अपने पुराने रिश्तेदारों से थक चुके थे। कौन? जुम्मन और उसका पूरा परिवार। जुम्मन बिकम एज इंडिफरेंट टू हर
एज हिज वाइफ, यानी वो और उसकी बीवी इन लोगों में आपस में मतलब वो लोग क्या करने लगे, उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। हु ग्रेडेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे, यानी वो औरत जो हर वक्त चाहती थी कि मतलब भाई बूढ़ी औरत है, उसने क्या सोचा, उसने कहा जो भी मेरे पास ज़मीन जायदाद है वो मैं इस बच्चे को दे देती हूँ और इसके बाद क्या है कि मुझे थोड़ा बहुत खाना बना चाहिए। भाई बूढ़े लोगों का क्या सोचना होता है, बूढ़े लोग यही सोचते हैं कि दो वक्त की रोटी खाएंगे, इसके ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये सोचते हैं कि मतलब मुझे दो वक्त की रोटी मिल जाएगी और मैं खा लूँगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं मतलब कहते हैं ना जलालत भी उठाना पड़ी, लोगों की तिरछी निगाहें भी देखना पड़ी, है ना। शी स्लॉर्ड दिस इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड ऑफ अ फ्यू मंथ, यानी कुछ टाइम तक उसने वो जहरीली तलवारों को भी झेला, यानी कि जो इंसल्ट की तलवारें थी उनको भी उसने झेला खाने के साथ साथ। ऐसा लगता था जैसे मान लो वो खाना वो अपने पैसों से नहीं बल्कि भीख के तौर पर खा रही हो। बट पेशेंट हैज़ इट्स लिमिट, यानी कि सहने की भी एक हद होती है, किसी चीज़ को सहने की, किसी चीज़ को झेलने की एक लिमिट होती है। तो ये वाला पैराग्राफ हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ये भी आपके चैप्टर से ही लिया गया है। तो अब आपने यहाँ तक पढ़ लिया, अगर आगे का कुछ होता है तो देखते हैं, फिलहाल चलिए क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा है, नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स कैन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। अभी आपको जो बॉक्स दिया गया है ब्लो, यानी नीचे जो आपको बॉक्स दिया गया है इसकी मदद से आपको इसे फिल करना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहला क्या लिखा है, डैश एंड डैश वर गुड फ्रेंड्स। तो कौन कौन गुड फ्रेंड्स थे, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, ठीक है। तो लिखेंगे जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। जुम्मन हैड क्या आ जाएगा, एंड ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, यानी जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ ज़मीन जायदाद थी, ठीक है। तो आपका पहले में यहाँ पे आप इसको लिख देंगे, ये फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, ये थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसका लिखा जुम्मन बिकम हैज़ इनडिफरेंट टू हिज आंटी एंड हिज, तो इसका क्या आ जाएगा आपका फैमिली, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे, फैमिली, ये फोर हो जाएगा। उसके बाद लिखा जुम्मन एंड हिज, तो यहाँ क्या आ जाएगा वाइफ, जुम्मन और उसकी वाइफ जो क्या करती थी, वर ट्राइड टू द ओल्ड रिलेटिव्स, वो दोनों अपने पुराने रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, यानी उस ओल्ड लेडी से थक गए थे। जुम्मन आंटी स्लॉर्ड द, तो पहले क्या आ जाएगा इंसल्ट, यहाँ पे आप इंसल्ट लिख लेंगे, अलॉन्ग विद हर फूड, तो यहाँ पे लिखेंगे फूड, फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों तक उन्होंने खाने के साथ साथ अपने बेइज्जती को भी सहा। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, बहुत आसान सा है, फिलअप लाइन वाइज है, सारे फिलअप्स आप लोग भर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं ख़त्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।